नमस्कार, मैं डॉक्टर गोपा चक्रवर्ती मेरे चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। सा को कैसे समझेंगे, अलग अलग सा को कैसे समझेंगे, अलग अलग सा को कैसे गाएंगे? अब भाई क्या जरूरत है अलग अलग सा को गाना? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि आप जब क्लासिकल म्यूजिक गाते हैं या सीखते हैं, तो चलिए आपके गुरु ने, आपके मेंटोर ने, आपने कहीं से भी अपना स्केल को समझ लिया, ठीक है, तो अपना स्केल में आप रियाज करते हैं, आप गाना गाते हैं, तो क्या जिंदगी भर आप एक ही स्केल में गाना गाएंगे, एक ही स्केल में आप सारे गाने को गाएंगे? अगर आप क्लासिकल म्यूजिक गाते हैं तो भी आपको दो तीन स्केल में गाना गाना पड़ता है। वो कैसे? एक स्केल है जिसमें आप रियाज करते हैं, जिसमें आप राग की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, आपके गुरु ने दिया है, जिन्होंने भी दिया है। लेकिन अगर मानो आपको ठुमरी गाना पड़े, गजल गाना पड़े, भजन गाना पड़े, कोई भी ऐसा आर्टिस्ट नहीं है जो बोलेंगे मैंने तो जिंदगी भर एक ही स्वर की साधना किया है, एक ही स्केल की साधना किया है, बाकी तो मुझे पता नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपको सारे स्केल का नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको स्केल के बारे में कुछ डाउट्स है, तो मैंने लास्ट एक वीडियो दिया है जिसमें मैंने हर स्केल के बारे में, इंडियन जितने भी स्केल्स है उसके बारे में मैंने बहुत डिटेल बात किया है। वो वीडियो एक बार आप देख लीजिए। हालांकि वो एक बार में समझने वाली वीडियो है नहीं, आपको सेव भी करना पड़ेगा, आपको बार बार सुनना भी पड़ेगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल नहीं स्टडी करना चाहते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे इतना डिटेल जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप एक बार देख लीजिए। वो आई ओपनिंग वाला वीडियो है, एकदम दिमाग का जो ताला है ना वो खुल जाएगा सचमुच। वो देख लीजिए तो आपको एटलीस्ट पता चलेगा कि भाई जो स्केल्स होते हैं उसका नाम किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से हमें समझना है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप मानो क्लासिकल म्यूजिक सीखते हैं, आपके पास एक स्केल है, लेकिन अगर आप ठुमरी गाना चाहते हैं तो आपको एक स्केल हाई गाना पड़ता है। कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं, भजन है, गजल है, जो बहुत हमें लगता है कि नहीं, मेरा जो ओरिजिनल स्केल है उससे मुझे थोड़ा नीचे गाना है, क्योंकि उसका जो अंतरा है, ध्यान से सुनिएगा, ये सब छोटी छोटी बात है, कोई बताता नहीं है इतना डिटेल में। मानो कोई गाना ऐसा है कि गाना तो शुरुआत होता है, ठीक है, एक नॉर्मल स्केल में, लेकिन उसका जो अंतरा है वो बहुत हाई जाता है, हाई पिच में जाता है, वो हाई पिच तक आपका आवाज नहीं पहुंचेगा, तो आप क्या करेंगे, वो गाना छोड़ देंगे? आपको ऐसा लगेगा कि नहीं बाबा, ये तो गाना तो मैं तो नहीं गा पाऊंगा या गा पाऊंगी, छोड़ो इसको। क्यों भाई? उसका ट्यून आपको बहुत अच्छा लगता है, उसका लिरिक्स आपको बहुत अच्छा लगता है, वो गाना ऐसा है कि जो सिचुएशन में आप गाना चाहते हैं वो सिचुएशन को रिलेट करता है, तो फिर वो गाना आपको बहुत इच्छा है, लेकिन हाई पिच है उसका अंतरा, तो भाई उसका स्केल को नीचे कर लीजिए। आप अपना स्केल में वो गाना चाहते हैं लेकिन वो बैठ नहीं रहा है, तो स्केल को नीचे करिए। तो हुआ ना, आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, मतलब आपको स्केल के बारे में जानना बहुत जरूरी है। अब मैं बताती हूं कि किस तरीके से आप हर स्केल गा सकते हैं। कैन यू बिलीव दैट? यस, हर स्केल को आप गा सकते हैं। वो कैसे, आज मैं आपको बताती हूं। आपको पता है कि सी से हमारा ये शुरू होता है, ये सी है, सी डी ई एफ जी ए बी, हाँ, जैसा कि मेरा स्केल है ए शार्प, तो ठीक है, तो मैं ए शार्प को मैं मतलब पहले मैं मान लेती हूँ कि भाई ए शार्प में मुझे गाना है, हाँ, तो मैं चलिए ए शार्प को मैं करती हूँ, यहाँ पर मैं चेंज करती हूँ, ठीक है, देखिए ये है स्केल सा, ये मैंने स्केल में गा लिया। अभी देखिए मैं इसको बंद कर देती हूं,
अभी इसी में समझ में आ जाएगा। देखिए, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। अब मैं ये सा था मेरा, अभी मैं इसके नीचे आ रही हूँ, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। इसमें गा लिया मैंने, फिर इसके बाद तो मैंने यहां से शुरू करके मैं यहां तक जाऊंगी। आप यहां से भी कर सकते हैं, मतलब इसको तो नहीं करेंगे, सी में ये भी कर सकते हैं। चलिए, मैंने ये जो सा है, सा सा रे, तो रे रे है सी, तो अभी मैं रे को सा मानूंगी, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। उसके बाद सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। तो आप पहले देखिए कि मेरा जो कोई भी सा है, कोई भी स्केल है, उसको मैं सा मान सकती हूँ। आप पूछेंगे कि भाई उसकी जरूरत क्या है। जैसे कि मैंने बोला कि कोई भी गाना, अगर आप गाना चाहे, कोई भी गाना गाना चाहे, तो आपको पहले उसका सा पहचानना है। देखिए, मैंने यहां पर बोला सा पहचानना है, ठीक है। चाहे आप उस स्केल में गाए या नहीं गाए, आपको एटलीस्ट सा को पहचानना चाहिए, एटलीस्ट सा आपको गाना चाहिए। मैं हर स्केल में आपको सा गा के बताती हूं, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए, यह है ऐशा सा, थोड़ा सा मैं गाती हूँ, सिर्फ सा गाने से आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए मैं सारे गामा जितना हो सकेगा, क्योंकि मेरा आवाज़ के हिसाब से, और मैं कहाँ पर ट्रांजिशन कर रही हूँ, कहाँ पर चेंज कर रही हूँ, वो भी आपको पता चल जाएगा। देखिए, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, उसके बाद ए शार्प के बाद है बी, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, इसके बाद सी, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, ठीक है, सी, इसके बाद सी शार्प, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, ओके, इसके बाद डी, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, मैं इतना नहीं जाऊंगी, सा सा रे गा मा पा धा नी, हो गया। इसके बाद डी शार्प, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सा सा रे गा मा पा धा नी, हो गया। अभी मैं इसको ऐसे भी गा सकती हूँ, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा। स्केल तो है ये, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, ओके। इसके बाद देखिए चेंज हो गया ये, ई, सा सा नी दा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा। जो ई स्केल है, इसका मैं पा तक ही गा पा रही हूँ, तो मैं पा तक ही गाऊंगी, सा सा रे गा मा पा। अगर मानिए कोई भी गाना ई में है, ठीक है, ई में है, और ये गाना बहुत हाई पिच नहीं जाता है, तो आप ई में कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये गाना बहुत ज्यादा हाई है, तो उसको नीचे लाइए ना। लेकिन आपको पहचानना तो पड़ेगा ये कौन सा स्केल है, आपको पहचानना तो पड़ेगा। देख लेते हैं इसके बाद, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा, सा सा नी दा पा मा गा रे सा, ये भी सा हो सकता है आपका, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, ये भी हो सकता है। सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा रे गा मा पा, तब जा रहा है मेरा आवाज। इसके बाद एक शार्प, आ सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, इसमें मैं बहुत कंफर्टेबली जा रही हूँ, सा सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी दा पा मा गा रे सा, एफ शार्प,
उसके बाद सा, F शार्प के बाद जी, सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी रा वा मा गा रे सा, ओके। उसके बाद जी शार्प, सा सा रे गा मा पा धा नी सा नी रा वा मा गा रे सा। इसके बाद ए, सा रे गा मा पा धा नी सा नी रा वा मा गा रे सा। इसके बाद सा रे गा मा पा धा नी सा नी रा वा मा गा रे सा। देखिए अब मजेदार बात है कि मैंने आपके सामने सारे स्केल, जितने भी स्केल है उसमें मैंने आपके सामने गाया, पर कैसे गाया? कुछ स्केल में मैं ऊपर जाके रुक गई, मतलब पौत मौत तक जाके रुक गई, लेकिन सा मैंने सबका गाया, एटलीस्ट सारे गामा पधा तक या पौ तक मैंने हर स्केल में गा सकी। आप भी गा सकते हैं, अच्छे से सुनिए, आप भी गा सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आवाज का रेंज है वो भगवान ने ऐसा बनाया है कि हम हर रेंज में थोड़ा थोड़ा गा सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि मैं हर स्केल में पूरा ऊपर के सा तक जा पाऊंगी, नहीं, क्योंकि मेरा वॉइस इतना वर्सेटाइल नहीं है, किसी का भी नहीं है, आप मानिए किसी का भी नहीं है। क्योंकि आपको एक बात पता होना चाहिए कि जो गर्ल्स है या फीमेल है उनका स्केल अलग होता है, और जो बॉयज है या मेल है उनका स्केल अलग होता है, तो उनके स्केल का जो गाने हैं वो मेरे आवाज में कैसे आएगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल भी नहीं गा पाऊंगी, ऐसा नहीं है, मैं गा सकूंगी, कुछ हद तक गा सकूंगी, कुछ नोट्स मैं गा पाऊंगी, भले मैं पूरा नोट्स ना गा पाऊं। तो इस तरीके से आप हर स्केल के एटलीस्ट सा को गा सकते हैं। चाहे आप वॉइस को थोड़ा मॉड्यूल कर लीजिए, एक मॉड्यूलेशन लाइए वॉइस में, नहीं तो आप थोड़ा सा समझदारी के साथ, आपने देखा होगा मैं जब सुर को पकड़ रही थी तो मैं थोड़ा सा सोच रही थी कि अब इस तरीके से पकड़ूं, कहां पर मैं हारमोनियम को ले आऊं, मतलब हारमोनियम में कैसे बजाऊं, इस तरीके से हमें करना पड़ता है। एक बात है कि अगर आपको सभी स्केल का नॉलेज लेना है तो या तो कीबोर्ड नहीं तो हारमोनियम आपको जानना आना चाहिए। मैंने अभी कुछ हारमोनियम में बजाया, कुछ मैंने तानपुरा में किया। तानपुरा में सिर्फ करेंगे ना तो थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाएंगे, कर पाएंगे, लेकिन क्या होता है तानपुरा का जो साउंड है उसको समझ के सुर को उठाना इतना आसान नहीं होता। बल्कि अगर आपके पास ऐसे मतलब हारमोनियम या कीबोर्ड रहेगा ना तो आप उस सुर को समझ के आप एटलीस्ट समझ पाएंगे। देखिए मैं आपको बताती हूँ, देखिए ये बज रहा है ना, तो अभी मुझे इसमें बजा बजा कर देखना है कि इसके साथ कौन सा मैच कर रहा है। देखिए ये है, अभी मैं थोड़ा सा, मुझे पता नहीं है कि ये कौन सा है, ये है, ये सा है। आपको गाने से पता नहीं चलेगा शायद, हाँ, लेकिन आपको गाने से पता नहीं चलेगा, ये क्या है, यहाँ पर देख लेती हूँ, सी सी सा, फिर देख लेते हैं, ऐसे ही करना पड़ता है। दिशा, देखा आपने, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि आपको तानपुरा की जरूरत है, हाँ आपको हारमोनियम की जरूरत है या आपको कीबोर्ड की जरूरत है। तो इस तरीके से आप हर स्केल में आप कुछ ना कुछ गा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है ना, हर स्केल को पहचानना। अगर आप स्केल पहचानेंगे तो आप जज कर पाएंगे। एक्चुअली क्या होता है, मनुष्य का जो वॉइस है ना वो 3-4 स्केल में गा सकते हैं। अगर मैं मेरे बारे में बताऊं, मैं ए शार्प में गा सकती हूँ, ए में गा सकती हूँ, जी शार्प में गा सकती हूँ, जी में गा सकती हूँ, एफ शार्प में गा सकती हूँ, ए में गा सकती हूँ, सी में गा सकती हूँ, सी शार्प, डी शार्प, बस। तो इतना स्केल तो मैंने कवर कर ही लिया,
इतना स्केल में मैं गा सकती हूँ, मतलब सारे गा पा धनी सा नि धा मगे सा, मतलब पूरा ऊपर तक जाना फिर नीचे तक आना, वो मैं कर पाऊंगी। 19-20 होगा अगर कोई किसी का हो सकता है मेरे से थोड़ा और ज्यादा रेंज होगा, और किसी का हो सकता है थोड़ा मेरे से कम रेंज होंगे, तो गा तो पाएंगे 5-6 स्केल तक तो वो आराम से गा पाते हैं, हर कोई गा पाते हैं, पर आपको जानना जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा वीडियोस बहुत कम बना है। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करेंगे। मैं बार बार ये कह के आपको मैं छोटा नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको बहुत पसंद है मेरी वीडियोस, और आपको ये भी पता है कि मैं बहुत डिटेल में बताती हूँ। हाँ, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो जल्दी से कर दीजिए, कमेंट करिए, आपके ही सब कमेंट का नतीजा है भाई। आप लोग कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है कि आपको क्या सीखना है, उसी आधार पे मैं वीडियो। मेरा जो चैनल है रियाज गुरु चैनल, उसमें मैंने सुरों का सीरीज बनाया है, रागों का सीरीज बनाया है, अभी तालों का सीरीज चल रहा है, वो भी वीडियोज आप देखिए, ताल के बारे में आपको बहुत सारे नॉलेज मिलेगा। इस तरीके से आप मेरे से जुड़े रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपका कमेंट और आपके साथ जुड़े रहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।